हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडीज टुडे। आज की वीडियो में हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टीज और उनके यूजेस के बारे में जानेंगे, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वो लेंस जो बीच में से पतला होता है और एजिस पे से मोटा होता है उसे हम कॉनकेव लेंस कहते हैं, और वो लेंस जो बीच में से मोटा होता है और एजिस पे से पतला होता है उसे हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, और वहीं कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है। कॉनकेव लेंस का यूज टेलीस्कोप्स, स्पाई होल्स में किया जाता है, और इसके अलावा जब किसी की दूर की नज़र कमज़ोर होती है तो उसके स्पेक्स में कॉनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है। वहीं कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ कैमरेज में, प्रोजेक्टर्स में और मैग्नीफाइंग ग्लासेस जैसी चीज़ों में किया जाता है, और जब किसी की पास की नज़र कमज़ोर होती है तो उसके स्पेक्स में कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है। कॉन्केव लेंस आने वाली लाइट रेज को प्रिंसिपल एक्सिस से दूर की तरफ डाइवर्ज कर देता है, वहीं कॉन्वेक्स लेंस आने वाली लाइट रेज को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ कन्वर्ज कर देता है। यही रीजन है कि कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं और कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा जाता है तब उसकी इमेज फोकस पर एक पॉइंट के फॉर्म में बनती है। जब ऑब्जेक्ट को 2f से पीछे रखा जाता है तब इमेज रियल और इन्वर्टेड बनती है, जो फोकस और 2f के बीच होती है। जब ऑब्जेक्ट को 2f पर रखा जाता है तो इमेज भी 2f पर बनती है, जो कि रियल और इन्वर्टेड होती है और साइज में ऑब्जेक्ट के बराबर होती है। जब ऑब्जेक्ट को 2f और फोकस के बीच रखा जाता है तो इमेज 2f के बाद बनती है, जो कि रियल, इन्वर्टेड और ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी होती है। जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा जाता है तो कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती। कॉनकेव लेंस में जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा जाता है तो इमेज फोकस पर एक पॉइंट के फॉर्म में बनती है, जो कि वर्चुअल इमेज होती है। जब ऑब्जेक्ट को 2f और फोकस के बीच रखा जाता है तब इमेज फोकस और पोल के बीच बनती है, जो कि वर्चुअल और साइज में ऑब्जेक्ट से छोटी होती है। आई होप आप लोगों को कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में ये क्विक इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन और पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ स्टडीज टुडे पर।